हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों मोटो G6 और G6 प्ले लॉन्च हो गए हैं इंडिया में। अब मैं बात कर रहा हूँ मोटो G6 की, जो कि लॉन्च हुआ है 14,000 रुपये के प्राइस पे। क्या आपको 14,000 रुपये के प्राइस में वो फ़ोन लेना चाहिए या फिर 14,000 रुपये में और भी ऐसे अच्छे फ़ोन से आपको उनकी तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं मोटो G6 की बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है क्योंकि आगे पीछे ग्लास यूज़ करा गया है और फ़ोन को जोड़ने के लिए बीच में मेटल फ्रेम का यूज़ करा गया है। जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है फ़ोन की, और बीच में एक कर्व दिया गया है ताकि जब भी आप अपने फ़ोन को होल्ड करेंगे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग फील आएगी और काफी अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको जो चार्जिंग है वो भी फास्ट मिलती है और फास्ट डेटा ट्रांसफर भी मिलते हैं। 2018 में टाइप सी तो होना ही चाहिए हर फोन में, एटलीस्ट 10,000 रुपए के ऊपर वाले हर फोन में टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, एसेंशियल बन चुका है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीछे कैमरास की। पीछे की तरफ दो डुअल कैमरा यूज़ करे गए हैं। पहला है 12 मेगापिक्सल का, जिसका जो एपर्चर है वो है f1.8 का। दूसरा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जिसका एपर्चर है f2.2 का। जो दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, वो पोर्ट्रेट मोड के लिए यूज़ कराया गया, और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर फीचर भी दिया है लाइव फोकसिंग करके, जिससे आप लोग ब्लर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरा ठीक ठाक है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी फोटोज खींच लोगे, लो लाइट में आप मेन कैमरा से अच्छी फोटोज खींच लोगे, बट पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे एक्सपेक्ट मत करना लो लाइट कंडीशन में। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, जो कि 8 मेगापिक्सल का है, उसका अपर्चर है f2.2। फ्रंट कैमरा भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 8.0 का सपोर्ट मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड है जो मोटरोला हमेशा से देता है, तो सॉफ्टवेयर वाइज नो इशूज। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। जो डिस्प्ले है वो है 5.7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, क्योंकि जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है यहाँ पे 18:9। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको कोई नॉच नहीं देखने को मिलती, क्योंकि रेजोल्यूशन 18:9 है, 19:9 नहीं है, तो इसलिए कोई नॉच देखने को नहीं मिलती। और ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया गया है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूँ तो 75% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। नीचे की तरफ आपको एक बटन भी देखने को मिल जाता है, जो कि कैप्स्यूल की शेप में है, वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है, बट अब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से परेशानियाँ शुरू होती हैं फ़ोन के अंदर हार्डवेयर की। यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ करा गया है वो मोटरोला ने बोला है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब कौन सा प्रोसेसर? स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर, बट कौन सा प्रोसेसर वो नहीं बताया। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी कि स्नैपड्रैगन 450 जो आपको शाओमी के 7,000 से 8,000 रुपये वाले फ़ोन में मिलता है, वो प्रोसेसर ये लोग दे रहे हैं 14,000 रुपये वाले फ़ोन में। बहुत बढ़िया, ये फ़ोन लेना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 14,000 रुपये में कहीं से भी वर्थ नहीं है इस प्रोसेसर की। ये फ़ोन अगर 10,000 या 11,000 रुपये का लॉन्च होता तो आप ले सकते थे, क्योंकि 14,000 रुपये में आपको और भी फ़ोन ऐसे मिल जाते हैं मार्केट में। जैसे Redmi Note 5 Pro अगर आप लेंगे तो वहाँ पे आपको Snapdragon 636 मिलता है। Asus Zenfone Max Pro लोगे तो वहाँ भी आपको बहुत सुपीरियर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर आप लेंगे Realme 1, जो कि इससे सस्ता फ़ोन है, उसमें आपको Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर वाइज ये फ़ोन बहुत कमज़ोर है और टक्कर नहीं ले सकता उन फ़ोन से जो ऑलरेडी इस प्राइस सेगमेंट के किंग है। तो दोस्तों ओवरऑल फोन जो है वो ठीक ठाक है, बट इसको खरीदना मत, क्योंकि इस प्राइस में आपको और भी फोन अच्छे मिल जाएंगे, वो आप परचेस कर सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये फोन पसंद नहीं आया। बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, लुक्स वाइज भी अच्छा है, तो अगर आपको सिर्फ लुक्स चाहिए, अच्छा फ़ोन दिखना चाहिए बट उसके अंदर कोई एप्लीकेशन ढंग से काम ना करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है इस फोन को मत खरीदो। Asus Zenfone Max Pro ले लो, Realme 1 ले लो, या फिर Redmi Note 5 या Redmi Note 5 Pro ले लो। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो 14,000 रुपये में ये फ़ोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता मेरे हिसाब से। इस फ़ोन की प्राइस अगर 12,000 रुपये या 11,000 रुपये होती तो मैं इस फ़ोन को रेकमेंड कर सकता था, बट 14,000 रुपये में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय।